दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित जलवार पंचायत में हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूजा उत्सव की अध्यक्षता श्री पंकज कुमार झा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं गणेश पूजा के दूसरे दिन आचार्य हेमकंत ठाकुर के द्वारा भक्तजनों के बीच भागवत गीता का पाठ किया गया। भागवत गीता पाठ समाप्त होने के उपरांत कमेटी के अध्यक्ष पंकज कुमार झा के द्वारा आचार्य को मिथिला रीति रिवाज में पाग चादर एवं पुष्प माला से सम्मानित किया गया। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए पूजा कमेटी के अध्यक्ष पंकज झा ने बताया कि इस साल पहली बार ग्रामीणों के द्वारा मध्य विद्यालय के प्रांगण में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम ग्रामीणों को प्रशंसनीय सहयोग रहा है। वहीं आगे बात करते हुए श्री झा ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए तमाम प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हुए यहाँ पे गणेश उत्सव का महोत्सव मना रहे हैं। इसी जलवार धरती की संतान हो और हमें यहाँ सम्मान की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद की जरूरत है, फिर भी हमारे ग्रामीण नौजवानों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा यदि हमें सम्मानित किया जा रहा है तो मैं गौरवान्वित होता हूँ। हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि जन्म धरती के लोग भी हमें सम्मान कर रहे हैं और हम लोग इस अवसर पर अपने गांव के समस्त युवा पीढ़ी को, खासकर गणेश पूजनोत्सव समिति के जितने भी हमारे कार्यकर्ता समितिगण हैं, व्यवस्थापक हों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, कोषाध्यक्षों, जो भी हों, मैं इन तमाम सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को इस व्यास वन से हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि गणेश पूजनोत्सव हमारे गांव सिलवार की धरती पर अनेक त्यौहार, अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, अनेक मंदिर हैं, स्थान हैं, लेकिन गणेश पूजा हमारे गांव में ये प्रथम बार मनाई जा रही है। और गणेश विघ्न विनाशक हैं, वो सिद्धि विनायक हैं, और जहां गणेश की आराधना होती है, जहां उनकी पूजा होती है, वहाँ सभी विघ्नों का विनाश होता है, मंगल दूर होता है, मंगल का विधान होता है, क्योंकि गणेश साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। वो महादेव पुत्र गिरिजानंदन अवश्य हैं, लेकिन वो परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में पूजित हैं हमारे शास्त्रों के द्वारा, और उनका नाम भी सिद्धि विनायक है। अनेक कल्पों में, अनेक रूपों में गणेश का अवतार होता है, गणेश की महिमा का गुणगान किया गया है और गणेश की गाथा गाई जाती है। इस बार हम लोग जो इस गणेश पूजनोत्सव के अवसर पर गणेश लीला की चर्चा कर रहे हैं, गणेश महिमा की चर्चा कर रहे हैं, वो श्वेत बारह कल्प में जो गणेश का अवतार हुआ, जो महादेव के द्वारा उनका मस्तक काटा गया, पुनः गज का मस्तक लगाया गया, उन गणेश की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और हमें बड़ा ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारे गांव के तमाम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खास करके माता बहन श्रद्धालुगण यहाँ अपार संख्या में उपस्थित हैं और बड़े प्रेम से, श्रद्धा के साथ सत्संग में भाग लेकर इन कार्यकर्ताओं को, इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं इस व्यास मन से तमाम ग्रामवासियों को।